अब हर रोज सुबह की चाय के साथ। देखिए सुनिए मेरे साथ, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य, आपके लिए लाया हूं दुनिया का खबरनामा। नेपाल के स्कूलों ने चीनी भाषा पढ़ाना अनिवार्य किया। इसके शिक्षकों को तनख्वाह चीनी दूतावास से मिल रही है। नेपाल के कई स्कूलों ने छात्रों के लिए चीनी भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला चीन सरकार के उस प्रस्ताव के बाद लिया गया जिसमें मैंड्रिन के शिक्षकों का वेतन काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के द्वारा दिए जाने की बात कही गई थी। नेपाल सरकार ने कहा है कि स्कूलों के पास किसी विषय को अनिवार्य करने का अधिकार नहीं है। नेपाल के 10 बड़े स्कूलों के प्राचार्य और स्टाफ ने एक अखबार से हुई बातचीत में कहा है कि चीनी भाषा यानी मैंड्रिन पहले ही अनिवार्य विषय के रूप में शामिल थी। इसके शिक्षकों की सैलरी काठमांडू में चीनी दूतावास से दी जाती है। आतंक की फंडिंग रोकने को गृह मंत्रालय ने बनाया टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप। सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ा वार करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक नए टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप अर्थात TMG का निर्माण किया है। जम्मू कश्मीर CID के एडिशनल DGP को इस ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि TMG में इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय के सदस्य भी प्रतिनिधि के तौर पर रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि TMG को घाटी में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है। साथ ही बाकी एजेंसियों की तरफ से हुई कार्रवाई की जानकारी भी TMG को दी जाएगी। माना जा रहा है कि TMG की कार्रवाई से घाटी में आतंकियों की वित्तीय मदद करने वालों को बड़ा झटका लग सकता है। गौरतलब है कि गृह मंत्री का पद संभालते ही अमित शाह ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर की स्थिति की जानकारी ली। चुनाव के दौरान कश्मीर के संबंध में अपने बयानों के कारण माना जा रहा है कि शाह कश्मीर में बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने 4 जून को शाह से मिलकर उन्हें जम्मू कश्मीर की स्थिति से अवगत कराया है। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई थी। और अब एक बड़ी मजेदार खबर, पाक मंत्री की FBP पर लाइव कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्टिव हुआ कैट फिल्टर, हो गए ट्रोल। पाकिस्तान में एक मंत्री को उस वक्त हास्यास्पद स्थिति से गुजरना पड़ा जब फेसबुक पर लाइव चल रहे उनके कॉन्फ्रेंस के दौरान गलती से कैट फिल्टर एक्टिव हो गया। लाइव कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी सोशल मीडिया टीम से गलती से कैट फिल्टर ऑन हो गया जिसके बाद उनकी शक्ल बिल्ली जैसे दिखने लगी, जैसे कि कैट फिल्टर में होता है। यह घटना खैबर पख्तूनख्वा की है जहां कॉन्फ्रेंस कर रहे सूचना मंत्री शौकत यूसुफ जई और उनके मंत्रियों की कैट फिल्टर वाली तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल के समय में प्रांतीय असेंबली द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर हो रही थी। अमेरिका ने नेपाल में बढ़ रही उत्तर कोरिया की गतिविधि पर जताई चिंता। नेपाल में उत्तर कोरिया की बढ़ रही कारोबारी गतिविधियों पर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिका ने नेपाल से आग्रह किया है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश होने के नाते उसे इस वैश्विक इकाई द्वारा उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंध का सम्मान करना चाहिए। द हिमालयन टाइम्स ने शनिवार को कहा कि उत्तर कोरिया के लिए विशेष अमेरिकी राजदूत मार्क लैम्बर्ट 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल में हैं। उन्होंने इस दौरान यहाँ के सांसदों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्कमल दहल से यह अपील की है। उन्होंने नेपाल में उत्तर कोरिया की बढ़ रही कारोबारी गतिविधियों पर चिंता जताई है। आज वर्ल्ड कप में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। आज मैनचेस्टर में 2 चिर प्रतिद्वंदी टीम भारत और पाकिस्तान आमने सामने होगी। वर्ल्ड कप इतिहास में दोनों टीमें 7वीं बार टकराएगी। इससे पहले विश्व कप के इतिहास में कुल 6 बार भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई है। इस दौरान हर बार भारतीय टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ी है। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आखिरी बार 4 साल पहले 2015 में आमने सामने थी जिसमें भारत ने 76 रन से जीत दर्ज की थी।